आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसी लौकी की लच्छेदार बर्फी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। और अब तो क्रिसमस डे और न्यू ईयर भी आ रहा है, तो बनाइए और सबका मुंह मीठा कराइए। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल रीता गुप्ताज किचन। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने 1 किलो लौकी धोकर ले ली है। अब इसे छील कर इसके सारे बीज निकाल देंगे और इसे कद्दूकस कर लेंगे। क्योंकि हम यहाँ लौकी की लच्छेदार बर्फी बना रहे हैं, इसलिए इसे कद्दूकस कर लेंगे। और लौकी को कद्दूकस करते समय थोड़ी सावधानी रखें, हाथों में लगे ना। ये सारी लौकी हमने कद्दूकस कर ली है। अब इसका पानी हाथों से दबा दबा कर निकाल देंगे। आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, मगर फिर बर्फी बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। लौकी का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और इसका पानी आप चाहें तो छानकर नमक डालकर जूस की तरह पी सकते हैं, और नहीं तो दाल या सब्जी में यूज़ कर लें। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 250 ग्राम मावा भूंज लेंगे। अगर ताज़ा मावा है तो आप ऐसे ही यूज़ कर लें। ये देखिए, मावा अच्छे से भूंज गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और ग्रेटेड सारी लौकी डालकर भूंज लेंगे। 3-4 मिनट भूंजने के बाद लौकी अच्छे से पक जाए, इसके लिए हम इसमें लिड लगाकर इसे 5 मिनट पका लेंगे। अब ये लौकी आधे से ज़्यादा पक चुकी है। अब इसमें हम 300 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी पिघलने की वजह से लौकी काफ़ी गीली लग रही है, पर इसे बराबर चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे अच्छे से बराबर चलाते हुए भूंज लेंगे। ये लौकी हमारी अच्छे से भूंज गई है। फ्लेम मीडियम करेंगे और थोड़ा ग्रीन फूड कलर डालेंगे, जिससे लौकी की बर्फी एकदम हलवाई जैसी दिखे। और इसे बराबर मिक्स करते हुए चला लेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब यहाँ मावा मिला देंगे और अच्छे से बराबर चलाते रहेंगे, जिससे मावा की गुठलियाँ अच्छे से लौकी में मिक्स हो जाएं। ये देखिए, अच्छे से मावा और लौकी मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ 1/2 स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। इलायची पाउडर से बर्फी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ ही साथ बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। और अब ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस ऑफ कर देंगे और ये बर्फी जमाने के लिए रेडी है। आप चाहें तो इसे कटोरी में डालकर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। मगर अभी हम इसकी बर्फी जमाएंगे। इसके लिए 1 थाली में घी डालकर थाली घी से ग्रीस करेंगे। पूरी थाली में अच्छे से घी लगाएंगे, जिससे बर्फी की पीसेस आसानी से निकल आए, थाली पर चिपके ना। और लौकी का पूरा डो थाली पर डालकर बराबर से फैला देंगे। चम्मच से बराबर दबा दबा कर इसको फैला लेंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। और इसे सेट होने के लिए 1-2 घंटे के लिए फ्रिज या फ्रिज के बाहर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी बर्फी जमकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसकी अब हम पीसेस कट कर लेते हैं। आप अपने मन चाहे आकार में इसकी पीसेस कट कर लें। तो ये देखिए, हमारी स्वादिष्ट लौकी की हलवाई स्टाइल लच्छेदार बर्फी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट करके बताएं। न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।